अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शिबा। आप देख रहे हैं शिबा व्लॉग एंड रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कच्चे चावल और आलू का नाश्ता, जिसके लिए मैंने एक कटोरी चावल ले लिया है। भिगो के धो के अच्छे से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया। एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, इसको डालते हैं इसमें और पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आलू भी इसमें डाल देंगे। प्लेट दो बेटा, वो चूल्हा फ्लेम ना स्लो कर दो। मैंने दो गार्लिक लिया है, जिनको मैंने चार टुकड़ों में काट के ले लिया है। थोड़े से मिर्ची लिए हैं जो मेरे लाल वाले हैं। थोड़ा सा जीरा लिया है, सबको डाल देंगे और ग्राइंड करके मिलते हैं फिर आपसे। ये मेरा मिक्सर पीस के रेडी हो चुका है, तो इसमें थोड़ी सी भाजियाँ डाल देते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिया है मैंने डालने के लिए। मैंने एक शिमला मिर्च ली है, एक छोटा अनियन लिया। शिमला मिर्च में मैंने मीडियम साइज़ के लिए 3-4 मैंने गाजर ली हुई, कैरेट, एक थोड़ा सा हरा हरा धनिया लिया हुआ मैंने। सबको डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी होता है। नमक डाल लेंगे अपने खाने के मुताबिक, जायके के मुताबिक। अभी मैंने अपना तवा रख दिया है इसको पकाने के लिए, पैन केक जैसा बनाने के लिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा ये सरसों डालकर ले लूँगी, राई डाल दूँगी इसमें, करी पत्ता, थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी। डाल दूंगी मैं इसमें मैं तड़का डाल दिया है, इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल के इसको फैला लेंगे अच्छे से। चीला बोले या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। नाश्ता बोल सकते हैं। ढक देंगे, आंच को मीडियम लो पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर से तेल डाल देंगे।
पलट लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, वाह देखिए कितना अच्छा कलर आया, क्रिस्पी भी रेडी हुआ है। चावल डालने से क्रिस्पी होता है ये। एक साइड पक गया, दूसरी साइड इसको पकने देंगे। ये मेरा चीला बनकर रेडी हो चुका है। अब देख लेते कितना अच्छा कलर आया है इसमें। मैं इसे निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, दूसरा डाल देती हूँ, बच्चों को खाने के लिए देती हूँ, पूछती हूँ कैसा बना। नदिया ये ले, लेकर जा बेटा, मैं दूसरा रख रही पकने के लिए। हाँ दे रही, बच्चा रुक जाए। हाँ मैं इसमें दूसरा डाल देती हूँ। एक सेकेंड रुको मेरा बच्चा, एक सेकेंड। इसको भी पका लेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पकने के लिए रख देते इसको। कैसा बना हानिया, कैसा लग रहा बेटा? बहुत यम्मी है। हानी हानी कैसा बना आप गाइस को बताइए। आप बताइए कैसा बना? विंडो से कितना अच्छा सीन आ रहा है ना। दिल से बोल रहे हैं ना। आप भी अपने घरों में बनाएं, खाएं, मजे करें, संडे स्पेशल बनाएं। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, फिर मिलूँगी जल्दी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। से अल्लाह हाफिज़, से अस्सलाम वालेकुम, से अस्सलाम वालेकुम। सलाम करने के लिए कोई छोटा होता बेटा, गंदी बात होती है।